गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू विथ HTML। आज का टॉपिक रहेगा हमारा बॉडी टैग और बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम आज बॉडी टैग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और मेन टैग होता है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो हम आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी टैग। बॉडी टैग इज़ अ कंटेनर एलिमेंट डैट होल्ड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ वेब पेज। जो बॉडी टैग होता है वो एक मेन कंटेनर टैग होता है जो पूरे वेब पेज के कंटेंट को होल्ड करता है। मतलब जो भी आप वेब पेज पर शो करते हैं वो सभी आपको बॉडी टैग के अंदर ही लिखना होता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। ये एक लार्जेस्ट पार्ट है HTML डॉक्यूमेंट का। वॉट एवर इज़ रिटन इन बिटवीन द बॉडी टैग इज एक्चुअल द वेब पेज कंटेंट। जो भी आप बिटवीन द बॉडी टैग लिखेंगे वो आपके एक्चुअल वेब पेज का ही कंटेंट होता है। दिस एलिमेंट सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डैट हेल्प्स टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द वेब पेज एथिस्टिकली। मतलब जो भी इसमें आप कई सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से आप अपने कंटेंट को बहुत ही अच्छे से अपने वेब पेज पर शो करा सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले इस बॉडी टैग का सिंटैक्स, HTML टैग आएगा, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग और हेड टैग क्लोज। फिर हम बॉडी टैग को लिखेंगे। बॉडी टैग यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे, तो आपको जितने भी टैग यूज़ करने हैं वो सभी बिटवीन द बॉडी टैग आप लिखेंगे और लास्ट में फिर HTML टैग को आप क्लोज कर देंगे। तो ये इसका HTML टैग का यूज़ करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग दिया हुआ है कि आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं बॉडी टैग के साथ। तो बॉडी टैग के साथ यूज़ किए जाने वाले एट्रीब्यूट हैं आपका बिजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक, वी लिंक, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड बैकग्राउंड। एक यहाँ थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक है, LEFTMARGIN MARGIN होता है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। तो आप इन सभी टैग, इन सभी एट्रीब्यूट को आप बॉडी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है बीजी कलर एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। इस एट्रीब्यूट का यूज़ हम HTML डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए करते हैं। द डिफ़ॉल्ट कलर फॉर वीजी कलर इज़ वाइट। जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है बैकग्राउंड के लिए HTML का, HTML डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो होता है वाइट। दिस मीन्स डैट इफ़ नो वीजी कलर इज़ सेट। अगर इसका मीन्स है कि अगर आप कोई वीजी कलर सेट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो भी आपका बैकग्राउंड कलर, जो भी HTML डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वाइट कलर से आएगा। ठीक है, देन द डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड विद वाइट बैकग्राउंड। ओके, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसका यूज़ करने का तरीका है कि आप इसमें पहले लिखेंगे बॉडी बीजी कलर, फिर इक्वल टू लगा के आपको बीजी कलर की यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लिखनी होती है, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का नेम लिख देंगे और उसे आप क्लोज कर देंगे, या फिर कलर कोड आपको याद हो तो आप कलर कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू लिख दिया, तो इसका मीन्स क्या है कि दिस विल डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट विद ब्लू बैकग्राउंड। तो ये आपको ब्लू बैकग्राउंड से, ब्लू बैकग्राउंड का एक HTML पेज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है? दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट रिटन ऑन डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट पर शो कराने वाले हैं तो वो उस कलर, उस टेक्स्ट का कलर सेट करना है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। द डिफ़ॉल्ट कलर फॉर द बॉडी टेक्स्ट इज़ ब्लैक। मीन्स जो भी आप वेब पेज पर टेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपने उसके लिए कोई कलर सेट नहीं किया है तो उसका डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है वो होता है ब्लैक। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ नॉट सेट। अगर आप कोई वैल्यू, एट्रीब्यूट टू वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट वेब पेज पर लिखेंगे वो आपको ब्लैक कलर से दिखाई देगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट लिखेंगे और आगे आप कलर नेम या कलर कोड आप लिख देंगे, तो उससे
आप अपने टेक्स्ट का जो भी एचटीएमएल पर डॉक्यूमेंट पर जो भी टेक्स्ट आप टाइप करेंगे और तो वो आपको उस कलर से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू वाइट, तो आप यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट वाइट लिखा है, यहाँ पर इक्वल टू वाइट लिखा है, तो इसका मीन्स क्या है कि द टेक्स्ट विल अपीयर इन द वेब पेज इन वाइट। जो भी कलर होगा वो वाइट कलर से आपको दिखाई देगा। इसके बाद है लिंक एट्रीब्यूट। लिंक एट्रीब्यूट क्या करता है, एट्रीब्यूट कैन वी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट लिंक्स ऑन द पेज। जितने भी आप लिंक्स बनाते हैं, टेक्स्ट लिंक्स बनाते हैं, उनका कलर सेट अगर आपको करना है तो वो आप लिंक एट्रीब्यूट के यूज से करेंगे। आपको बॉडी लिंक लिखना है इक्वल्स टू कलर नेम, जैसे यहाँ पर लिखा है बॉडी लिंक इक्वल्स टू ग्रीन, तो जो भी लिंक होगा वेब पेज पर वो आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा। इसके बाद है वी लिंक। वी लिंक का मीन्स होता है विजिटेड लिंक्स, मतलब जब आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर देंगे तो वो लिंक क्या हो जाता है, विजिटेड हो जाता है, दिखाई, मतलब आपने उस पर क्लिक कर दिया, इसका मतलब वो लिंक देख लिया गया है। तो जब लिंक कोई भी देख लिया जाता है तो उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम इस लिंक को देख चुके हैं। तो उस कलर को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बॉडी वी लिंक इक्वल्स टू कलर नेम, तो आप बॉडी वी लिंक इक्वल्स टू यहाँ मरून लिख दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी लिंक पर क्लिक कर देंगे और वापस से उस लिंक को आप देखेंगे तो वो आपको मरून कलर से कलर से वो आपको लिंक दिखाई देगा। ठीक है, वैसे तो सभी लिंक्स ब्लू कलर में होते हैं और जब वो लिंक आप विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो मरून कलर से ही आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वी लिंक के थ्रू अपने विजिटेड लिंक्स को आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ए लिंक। ए लिंक का मीन्स होता है कि आप उसमें एक्टिव लिंक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी एक्टिव लिंक्स होंगे उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बॉडी ए लिंक लिखेंगे, ए फॉर एक्टिव लिंक, और यहाँ पर आप जैसे मैंने यहाँ पर येलो लिखा है, तो जितने भी एक्टिव लिंक्स होंगे वेब पेज पर वो सभी आपको येलो कलर से दिखाई देंगे। जितने भी आप बॉडी टैग के एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं आप उनको एक साथ भी बॉडी टैग में लिख सकते हैं। जैसे बॉडी, यहीं पर हमने बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रे लिख दिया, टेक्स्ट रेड लिख दिया, लिंक ग्रीन, ए लिंक येलो, वी लिंक मरून। और भी अगर आगे आप टैग यूज़ करते हैं तो वो भी आप इसी में आगे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बार बार एक न्यू बॉडी टैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी टैग होता है वो टैग अपने सभी एट्रीब्यूट को अपने अंदर अपने साथ कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो आप सभी एट्रीब्यूट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं टैग में। ठीक है, तो आपको बार बार उस टैग को ओपन नहीं करना है, न्यू टैग स्टार्ट नहीं करना है, तो आप एक ही टैग में उसको लिख पाएंगे। इसके बाद है, अगर आपको वेब पेज का मार्जिन सेट करना है तो आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बॉडी लेफ़्ट मार्जिन लिखेंगे, आगे उसकी वैल्यू पास कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इक्वल्स टू 40, तो इससे लेफ़्ट मार्जिन 40 पिक्सल्स का सेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको टॉप मार्जिन सेट करना है तो आप बॉडी टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 50 लिख दिया, तो इससे टॉप मार्जिन सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट और बॉटम मार्जिन एट्रीब्यूट्स को भी लिख सकते हैं। बॉडी राइट मार्जिन इक्वल्स टू लिख देंगे, उसकी वैल्यू पास कर देंगे। बॉडी टॉप बॉटम मार्जिन लिख देंगे, उसकी वैल्यू पास कर देंगे, तो इससे आप वेब पेज के जितने भी चारों मार्जिन्स होते हैं आप उन चारों मार्जिन्स का सेट कर सकते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन एट्रीब्यूट से। ठीक है, इसके बाद है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो बैकग्राउंड जो आप सेट करते हैं कलर, अगर आप बैकग्राउंड कलर में वेब पेज के बैकग्राउंड कलर ना लगाकर उसमें आप कोई बैकग्राउंड पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कलर नहीं आएगा, आप उसमें पिक्चर सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पिक्चर कैन बी यूज एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर कलर। आप किसी भी कलर की जगह पर किसी दूसरे इमेज को, पिक्चर को आप एज अ बैकग्राउंड बना सकते हैं।
तो इसके लिए आपको यहाँ पर बॉडी बैकग्राउंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, और यहाँ पर आप उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसको आप एज अ बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू बलून्स डॉट बी एम पी, तो इससे क्या होगा कि जो भी इमेज होगी जो जिसका नाम क्या है बलून्स बी एम पी है, वो एज अ बैकग्राउंड हमारे वेब पेज पर सेट हो जाएगी। सो आई होप आपको ये बॉडी के एट्रीब्यूट्स जो थे वो सभी समझ में आए होंगे, और इन सभी का हम यूज़ करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।